हेलो दोस्तों, आपका इस आसान है चैनल पर स्वागत है। यहाँ पर मैं आपको बेसिक इंग्लिश सिखा रहा हूँ। तो बेसिक इंग्लिश में अभी WH फैमिली हमारी चल रही है। सभी वीडियोस इस तरह के नहीं है, सभी वीडियोस ऐसे नहीं है। अलग अलग तरह से वर्ड मीनिंग के बेसिक इंग्लिश को मजबूत करने के लिए वीडियोस बनाए जा रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में वेयर और वेन के बारे में जानेंगे। तो वेयर अगर कहीं लिखा होता है तो उसका मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब कहाँ। वेयर इज योर फादर, वेयर इज योर फादर। जैसे किसी ने पूछा वेयर इज योर फादर, तो मतलब वो पूछ रहा है कि आपके पिताजी कहाँ हैं। माई फादर इज एट द शॉप। माई फादर इज एट द शॉप। मेरे पिताजी कहाँ हैं? शॉप पर हैं, दुकान पर हैं। शॉप का मतलब दुकान होता है, फादर का मतलब पिताजी। वेयर का मतलब कहाँ, योर का मतलब आपके। वेयर इज द ताजमहल, वेयर इज द ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, ताजमहल जो है वो कहाँ है, ताजमहल कहाँ है। वेयर इज द ताजमहल, द ताजमहल इज इन आगरा। द ताजमहल इज इन आगरा। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। वेयर आर यू, वेयर आर यू, तुम कहाँ हो। आई एम इन माई रूम, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने रूम में हूँ। वेयर इज योर मदर, वेयर इज योर मदर। माई मदर इज एट होम। माई मदर कहाँ है, मेरी मम्मी, मेरी माँ घर पर है। वेयर इज योर बुक, वेयर इज योर बुक। आपकी बुक कहाँ है, माई बुक इज ऑन द टेबल। माई बुक इज ऑन द टेबल। मेरी बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, टेबल के ऊपर। ऑन का मतलब ऊपर होता है, इन का मतलब मैं होता है। कमरे में हूं तो इन आएगा, ठीक है, और छत पर हूं तो ऑन आएगा। तो ऑन का मतलब पर होता है, इन का मतलब मैं होता है। तो इसी तरह से सभी चीजें मैं आपको बेसिक बेसिक चीजें कराता रहूंगा, जिससे आपका बेसिक इंग्लिश सुधर सके। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अब इन्हीं शब्द के लास्ट में आप चेंज करके इनका मतलब बदल सकते हैं। माई मदर एट होम, माई मदर एट टेम्पल, माई मदर एट आंट्स होम। माई बुक इज ऑन द रूफ, माई बुक इज ऑन द बुक टेबल। कुछ भी कह सकते हैं हम। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू चौधरी डेयरी, आई एम गोइंग टू डैश 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 डैश। कुछ भी कह के आप लिख सकते हैं। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि वेयर का मतलब होता है कहाँ। और ये सब मैं आपको क्यों करा रहा हूँ, इन सबको करके क्या फायदा होगा। इन सब चीजों को सीख कर यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनके क्वेश्चंस ऐसे ही शुरू होते हैं छोटी क्लासों में। और वो सारे क्वेश्चंस और उनके आंसर भी आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। इसीलिए जिनको पढ़ना लिखना नहीं आता है वो भी इस चैनल पर आकर सीख सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया है कि आप छोटे बच्चों को जो माँ बाप नहीं देख पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, वो कर सकें थोड़ी सी वीडियोज देख कर, सीख सीख कर। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। वेन अगला है, वेन। वेन का मतलब होता है कब। अगर कहीं लिखा हो वेन, वेन का मतलब होता है कब। देन, देन का मतलब होता है तब। अगर वेन लिखा है तो कब, देन लिखा है तो तब। देन की बात हम बाद में करेंगे। वेन डू यू गेट अप, वेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हैं। आई गेट अप एट फाइव, आई गेट अप एट फाइव, मैं 5 बजे उठता हूं। वेन डू यू प्ले, आप कब खेलते हैं। आई प्ले इन द इवनिंग, आई प्ले इन द इवनिंग, मैं शाम को खेलता हूँ। बच्चे जो हैं अक्सर शाम को ही खेलते हैं, तो बच्चे बोल रहे हैं ये। आई प्ले इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में खेलता हूँ। तो मॉर्निंग का मतलब सुबह होता है, आफ्टरनून का मतलब दोपहर होता है, इवनिंग का मतलब शाम होता है, और नाइट का मतलब रात होती है, और मिड नाइट का मतलब आधी रात होती है। ठीक है, आगे और इसी तरह से हम चीजें सीखते रहेंगे। वेन डू यू गो टू बेड, आप बेड पर कब जाते हैं। बेड पर का मतलब है कि आप सोने कब जाते हैं। इंग्लिश है तो वो बेड बोलते हैं, आप सोने कब जाते हैं। आई गो टू बेड, बेड एट नाइट, एट 10। मैं कब जाता हूँ, 10 बजे बेड पर चला जाता हूँ, मतलब सोने सोने चला जाता हूँ। वेन डू यू गो टू स्कूल इन विंटर, वेन डू यू गो, आप कब जाते हैं। टू स्कूल, स्कूल, आप स्कूल कब जाते हैं। इन विंटर, विंटर में, सर्दियों में। आई गो टू स्कूल एट 9 इन विंटर, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ एट 9, 9 बजे इन विंटर, सर्दी में। तो विंटर का मतलब सर्दी होता है, समर का मतलब गर्मी होता है। ठीक है, तो इसी तरह से और चीजें हम छोटी छोटी चीजें सीखते रहेंगे। आप लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है तो सपोर्ट करते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें मेरे चैनल को। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।